चाल सब बढ़िया। यदि सब बढ़िया तो हम कर सकते हैं क्लास 9 की एनसीईआरटी मैथ। हाँ 9 की एनसीईआरटी मैथ तो सॉल्व कर रहे हैं ना, तो चलिए ठीक है। 9 की एनसीईआरटी मैथ चल रही, चैप्टर 2 चल रहा है हमारा, पॉलीनोमियल सॉल्व करने वाले हैं। पॉलीनोमियल 2.4 के थर्ड क्वेश्चन से शुरू करना है। सेकंड क्वेश्चन तक हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, आपने यदि नहीं देखा नहीं समझा तो आप जाकर पिछली वीडियो देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चलिए फिर थर्ड वाले पर आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको k की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको क्या करनी है, k की वैल्यू निकालनी। कैसे निकालेंगे आसान है, लिखता हूं पहले मैं क्वेश्चन, लिख लूं फाइंड द वैल्यू ऑफ k, क्योंकि बहुत से लोगों को क्वेश्चन नहीं मिल पाता है वैल्यू ऑफ k। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर, इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर। x माइनस वन क्या है, एक प्रकार से फैक्टर ही है, x माइनस वन फैक्टर है। आपको k की वैल्यू निकालनी है ऑफ px, किसका फैक्टर है ऑफ px, px का ये फैक्टर है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, यदि फॉलोइंग केसेस में ऐसा है कि वो फैक्टर है तो क्या आपसे वैल्यू निकालते बन जाएगी। हाँ आपसे वैल्यू निकालते बन जाएगी। चलिए देखें थर्ड का हम फर्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है उसे नोट करें। तो पहले तो हमें क्या दिया है, x माइनस वन फैक्टर, तो x माइनस वन लिखा इस प्रकार से, ठीक है। फिर अपन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, px, सॉरी पहले px को नोट कर लो फिर सॉल्व करता हूं। तो px नोट किया जाए, px क्या है ये देख लेते हैं। तो फर्स्ट में px जो दिया हुआ है वो इस प्रकार से, px इज इक्वल टू हमारे पास x स्क्वायर प्लस x प्लस k, x स्क्वायर प्लस x प्लस k। तो इस प्रकार से पीएक्स लिखा हुआ है। क्या आपको निकालते बनता, आपने ऐसे वाले बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। यदि फैक्टर होगा तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, जीरो। और यदि लिखा हुआ कि फैक्टर है तो हम पहले इसके इक्वल में जीरो लगे, ठीक है, तो रिमाइंडर जीरो आएगा। सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते समय हम फर्स्टली सबसे पहले क्या करते हैं, आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कर चुके, तो फर्स्टली हम करते हैं एक्स माइनस वन इक्वल में क्या आता है, जीरो, जो हमें एक्स की वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो एक्स माइनस वन यदि जीरो है तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी वन। तो हमें क्या निकालना है, पी वन की वैल्यू निकालनी है। तो पी वन की वैल्यू निकाले, पी वन इज इक्वल टू क्या जाएगा, जहां जहां पर एक्स वहां वहां पर रखना है वन, वन का स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर लिखा हुआ तो वन स्क्वायर, प्लस में जहां पर एक्स लिखा हुआ वहां पर फिर से वन प्लस वन, और प्लस में आएगा के। सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा पी वन इज इक्वल टू वन का स्क्वायर कितना आएगा, वन, प्लस में आएगा वन, प्लस में आएगा के, ठीक है। और आगे हो गया, ये हो गया P1 is equal to कितना हो जाएगा, 1 plus 1 कितना हो गया 2 plus K। पर हमें मालूम है यदि फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या देना चाहिए, जीरो। बट x minus 1 is a factor, x minus 1 क्या है, फैक्टर है। यदि x minus 1 फैक्टर है तो इस पूरे के इक्वल में क्या आएगा, जीरो। तो ये हो गया 2 plus K equals जीरो। क्या यहां पर 2 प्लस हो रहा है, हाँ, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2, वहां पर माइनस हो जाएगा तो माइनस का 2। तो इस प्रकार से आपने k की वैल्यू निकालते बन गई। तो पहला क्वेश्चन आपका सरल था, पहला क्वेश्चन आप नोट डाउन कर ले ताकि मुझे जगह मिल जाए, स्पेस मिल जाए, ताकि मैं और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकूं। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट 2, इसे मैं मिटा लूं क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा जगह ले लेता है, सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो भाई जल्दी करेंगे, क्या रिमाइंडर जीरो आना है, हाँ रिमाइंडर जीरो आना है, क्यों जीरो आना है, क्योंकि फैक्टर है। चलिए फिर सेकंड वाले पर आता हूं। थर्ड का सेकंड क्वेश्चन करना था मुझे, सेकंड क्वेश्चन में पहले तो x माइनस वन लिख लूं क्योंकि ये फैक्टर बताया गया है। अब लिखता हूं px की वैल्यू, px इज इक्वल टू क्या हो गया, px दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस में लिखा हुआ है kx प्लस में लिखा हुआ है रूट 2। चलिए इस प्रकार से समझते हैं कि किस प्रकार से करना है, चलिए कर लें। तो सबसे पहले क्या निकालना है, फर्स्टली x माइनस वन से क्या निकालना है, x की वैल्यू लिखते हैं। फर्स्टली x माइनस वन इक्वल क्या लिख लेते हैं अपन, जीरो। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी, यहां पर माइनस वन है, उत्तर जाएगी क्या हो जाएगा, प्लस वन। क्या आपको ये बनता है, हाँ आपसे ही बनता है। तो x इज इक्वल टू आ गया वन। अब क्या निकालना मुझे, पी वन की वैल्यू निकालनी होगी। तो ये कर लिया अपन ने पी वन, ये हो गया टू इंटू वन स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है, प्लस में k इंटू में वन आ गया, प्लस में आ गया रूट टू इस प्रकार से। और आगे बढ़ते हैं, टू इंटू वन स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, वन ही आने वाला है, प्लस में k इंटू वन मतलब कि k आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा रूट टू। क्या ये बात है आसान है, हाँ आसान है। क्या टू वन जा टू होता है भाई, टू वन जा टू प्लस k प्लस रूट टू। क्या मैं इसे थोड़ा सा और चेंज कर लू, मैं कहता हूं k प्लस टू प्लस रूट टू,
टू, इस प्रकार से मैंने लिख दिया, बहुत बढ़िया इस प्रकार से लिख दिया। बट यदि फैक्टर है x माइनस वन क्या एक प्रकार से एक फैक्टर है, तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, जीरो। बट x माइनस वन इज अ फैक्टर, x माइनस वन इज अ फैक्टर, यदि x माइनस वन एक फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए मेरे पास, रिमाइंडर आना चाहिए जीरो। तो मतलब k प्लस टू प्लस रूट टू की वैल्यू क्या आना चाहिए, जीरो। तो लिखते हैं k प्लस टू प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो, इस प्रकार से हो गया। और आगे बढ़े तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पर प्लस टू उस पर जाके माइनस टू हो जाएगा, प्लस में रूट टू उस पर जाके माइनस में रूट टू हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट टू माइनस टू, दोनों माइनस में हो जाएंगे। चाहो तो मैं माइनस कॉमन निकाल लू, मैं ऐसा कर देता हूं k इज इक्वल टू माइनस कॉमन आ गया रूट टू प्लस टू। तो क्या इस प्रकार से आपसे k की वैल्यू निकालते बन गई है, हाँ आपसे k की वैल्यू निकालते बन गई। जल्दी से सेकंड वाला भी नोट करें, थर्ड का सेकंड नोट करें, फिर थर्ड वाले पर आते हैं। थर्ड का सेकंड आपने नोट कर लिया, पॉज करके, बहुत बढ़िया। चलिए थर्ड वाले पर आते, देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन किस हद तक कठिन है, किस हद तक सरल है। चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन करेंगे। थर्ड वाले क्वेश्चन में किस प्रकार से देखा हुआ, बुक से मिलाते हैं, एनसीईआरटी को भी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए थर्ड वाले पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है पीएक्स इज इक्वल टू केएक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स प्लस में वन, यहाँ पर रूट वगैरह की वैल्यू आ रही है, शायद थोड़ी सी नहीं लगे लेकिन है, ये भी सरल है। तो थर्ड के थर्ड वाले पर आ जाते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या दिया हुआ, सबसे पहले दिया मुझे एक्स माइनस वन, एक्स माइनस दे, अब मुझे क्या निकालनी होगी, मुझे पीएक्स की वैल्यू नोट करनी होगी। तो मुझे जो px दिया है उसे नोट कर लेता हूं, px की वैल्यू क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है kx स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स और फिर लिखा हुआ है प्लस वन, ये लिखा हुआ है। अब इसे मैं सॉल्व करने वाला हूं। फर्स्टली क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू निकालेंगे, अभी तक तो याद हो गई इसमें क्या आ रही है x की वैल्यू। तो चलिए ठीक है, फर्स्टली x माइनस वन इक्वल क्या लिख लेंगे अपन, जीरो। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन, x की वैल्यू आ गई वन, क्या ये सही है, हाँ ये सही। चलिए फिर आप क्या निकालेंगे, p 1 की वैल्यू, तो k इंटू वन का स्क्वायर हो जाएगा इस प्रकार से माइनस रूट टू इंटू वन, इस प्रकार से प्लस में आ गया वन। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा k इंटू है, k इंटू वन का स्क्वायर कितना आ सॉरी वन बन जा वन, तो ये आ गया k इंटू वन माइनस रूट टू का वन से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा रूट टू, प्लस में आ जाएगा वन। अच्छा ये हो गया k माइनस रूट टू प्लस में आ गया वन, ठीक है। ये आ गया अपने पास p 1 की वैल्यू, पर P1 is equal to 0 मानो जी, क्यों भाई, क्योंकि x minus 1 is a factor, तो x minus 1 एक factor है, x minus 1 is a factor, यदि x minus 1 क्या है factor है, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0, तो k minus root 2 plus 1 equal to 0 लिखिए, k minus root 2 plus 1 equal 0 रख दे, ठीक भाई। और आगे बढ़ते हैं, क्या जो यहाँ पर minus हो रहा है उस पर जाके plus हो जाएगा, transpose, जो यहाँ पर plus हो रहा है उस पर जाके क्या हो जाएगा, minus, transpose, भाई बन जाएगा आपसे, ये हो गया माइनस रूट टू उस जाएगी प्लस का रूट टू हो जाएगा और प्लस वन उस जाएगी माइनस का वन हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ गई रूट टू माइनस वन। क्या ये क्वेश्चन सरल है, हाँ ये क्वेश्चन भी आपके लिए सरल हो गया। तो जल्दी से थर्ड वाला नोट डाउन कर ले, वीडियो को पॉज किया नोट डाउन किया, नेक्स्ट वीडियो पे सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मतलब अब करना हमें थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। क्या करना है, हम रिमाइंडर अपन को पहले से आएगा फैक्टर है, हमें मालूम है रिमाइंडर कितना आना चाहिए जीरो, तो उसका इस बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करते हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट में px इज इक्वल टू कुछ और बड़ी वैल्यू दी हुई है, चलिए थर्ड के फोर्थ क्वेश्चन पर आ जाते हैं, लिखा जो हुआ है उसे ध्यान देंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। तो kx स्क्वायर - 3x + k लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया, सबसे पहले तो x - 1 नोट कर लें। अब लिखते हैं px इज इक्वल टू क्या हो गया, px इज इक्वल टू है kx स्क्वायर - 3x + में लिखा हुआ है k, ठीक है ये लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया। क्या x माइनस वन इक्वल जीरो रखने वाले हैं, हाँ बहुत बढ़िया, x माइनस वन जीरो रखने, तो फर्स्टली हो गया, फर्स्टली x माइनस वन इक्वल क्या आ गया जीरो, तो x की वैल्यू निकालते बन जाएगी, बहुत बढ़िया। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन, x इज इक्वल टू यदि वन आ जाएगा तो क्या निकालना है, पी वन की वैल्यू, इसमें वैल्यू रख दे, x की जगह पर क्या रखना है वन मुझे, तो ये हो गया पी वन इज इक्वल टू के इंटू वन का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस में आ गया अपने पास के, ओके वेरी गुड। आगे बढ़ता हूं मैं, जाएगा k इंटू वन का स्क्वायर आएगा वन माइनस थ्री वन जो आ गया थ्री प्लस में आ गया k, और आगे बढ़ते हैं k इंटू वन कितना हो जाएगा भाई, k माइनस थ्री प्लस k, क्या यहां भी k है, हाँ क्या यहां भी k है, हाँ k और k कितने हो गए, ये हो गया 2k, p1 की वैल्यू आ गई अपने पास 2k
माइनस थ्री, टू के माइनस थ्री हो गया, तो टू के माइनस थ्री हो गया। लेकिन बात जो जरूरी है वो ये है कि x माइनस वन इसका फैक्टर है, तो इक्वेशन रखना जरूरी है, देखेंगे। बट x माइनस वन इज अ फैक्टर, और पूरा लिखना चाहे तो x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ऑफ पी एक्स। तो बहुत बढ़िया भाई, पी वन इज इक्वल टू जीरो रखना है, पी वन इज इक्वल टू जीरो रखना मतलब टू के माइनस थ्री इक्वल जीरो रखना है। यदि मैं यहां पर माइनस थ्री तो क्या हो जाना चाहिए, प्लस कर थ्री हो जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा 2k is equal to 3। इस प्रकार से 2 का यहां मल्टीप्लाई हो रहा है k के साथ, हाँ हो रहा है, तो आ जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड, तो k is equal to आ गया अपने पास 3 upon 2। तो इस प्रकार से मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कराया। थर्ड क्वेश्चन नोटडाउन कर ले, थर्ड क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट वीडियो में फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, फैक्टराइजेशन करना है, थोड़ा सा लॉन्ग रिविजन, लंबी मेथड है, लंबी मेथड है मतलब क्या, थोड़ा सा कठिन पड़ेगा आपको, लेकिन मैथमेटिक्स जब आप समझ लेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। नोट डाउन करें, नेक्स्ट वीडियो में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू, धन्यवाद।